भाई हवन देखो थोड़ी बता दे वो कितना लागत लगे तो वही पता है पार्ट के ना हम पा मिट्टी वाले हम लोग कोई बात ला बार बोले अच्छा नहीं लगे आज ये आज फिर जांच टीम में तो आई से अपन देखी दुखाई से पूछी पाछी तो हाँ रजिस्टर उजिस्टर धर के था चल दी से कुछ बताबे नहीं कर कुछ ही पूछे तो कर चुके से आते आग बल चेक उक करते तो हम बस चले जाते तो हाँ ये तीसरा बार है वो का लगा थे कार्रवाई हो ही कि नहीं हो अब भाई का का भाई पूछता ना कुछ बता भी नहीं करे थे जात रजिस्टर लेके के बाद धर के गई से रजिस्टर के बाद बताऊँ भाई कि थे तो हमारा कुछ बता भी नहीं करे तो हम का बता सक कर सब कुछ चीज़ हम तो समझ में कुछ नहीं आवा थे का करी कैसे करी अधिकारी मन सबके मिली भगत चलत हो ही बाकी आप अरे बाकी आप जानिए ना आप जाते हैं आपको क्या मिलता है कैसे मिले आप जानेंगे साहब उनको क्या मतलब उससे आज प्रारंभ ही की हाँ, बात अभी तो अभी दो दिन और होगा ना ये बहुत दिनों से लंबित प्रकरण था ना हमको दिया नहीं है ना हम लोग स्पेशली यहाँ आए हैं आप सिर्फ ये बोलिए ना कि मैं जांच करने पहुंचा था यहाँ और प्रारंभिक तौर पर रजिस्टर लिए हैं मैंने सब बताने वाले फिलहाल मौके में आप उनसे पूछ लेना बताएंगे वो तो उनसे तो ले ही लेंगे उनसे तो ले ही लेंगे मौके में आप जो आए आपको बोल दीजिए यहाँ वहाँ में क्या आंसर ये तो शिकायत कर रही है पूछेंगे नहीं तो आपको दिक्कत क्या है भाई मेरे बात मेरे जो कार्यवाही से संतोष से ये तो शिकायत करता है बाकी आप क्लियर आप बताएंगे ये शिकायत करता है शिकायत करता है तो उनसे पूछो संतोष से उसी को बोलिए ना आया हूँ बता दिया है इनको कुछ नहीं है तो वो उनको जो क्या बताया वो अलग मैटर है तो उन्हीं से पूछो ना भाई उनसे पूछूंगा सबसे उनसे पूछूंगा बाकी आप अपनी बात बताइए ना आपको क्या दिक्कत संतुष्टि तो नहीं हो रहा है मैं ग्राम पंचायत अमोरा का उप सरपंच हूँ और मैं पंचायत मंत्री तक के शिकायत लेकर चला गया हूँ लेकिन अभी तक के कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ है जितने भी मतलब आते हैं पंचायत ब्लॉक पथरिया से मतलब जांच करने टीम वो सही से जांच नहीं किए हैं और इसीलिए मतलब इसमें रोष है क्या लगता है आप लोग हो सकती है मिली भगत है पूरा ब्लॉक तक और जिला तक के इसलिए तरीका से कार्रवाई नहीं हो रहा है इसके कारण यानी कि जो जांच हुई उससे संतुष्टि नहीं है क्योंकि जो जांच टीम आया है वो तरीका से जांच ही नहीं किए हैं अभी जो आए थे सर दिनेश सिंगरौल और जांच किए हैं पूछताछ किए हैं डॉक्यूमेंट देखे हैं सब कागज पत्तर तो पूरा फर्जी पाया गया है सरपंच सचिव के द्वारा जो दिखाया गया है कागजी हम लोग को भी जो सूचना का अधिकार लगाए थे वो भी दिखाए तो पूरा फर्जी है और रिकॉर्ड लेके गए हैं और रिकॉर्ड देखने के बाद वो बताएंगे क्या है कैसा उसमें कागजी कार्रवाई करेंगे बोले हैं नहीं यानी खरीद दिए हैं और जो बताए कि हमारे ग्राम पंचायत में नाली फर्जी है हाथा बाउंड्री फर्जी है और अपना मुक्ति धाम जो है उसका पैसा 1,20,000 आहरण किया गया है और काम थोड़ा हुआ है तो नाली साफ सफाई के 116 जो बिंदु है उन्हीं के चर्चा में तो उन्हीं का सब जानकारी दिए हैं यानी कि संतुष्ट है जांच से आप लोग अब हम लोग जो गलत पाया गया है उस पर कार्रवाई होगा तब हम लोग जाके संतुष्टि होंगे ना हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद